भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने साल 2019 में 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने अपने दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम का कप्तान बनाया है। सिर्फ टी20 ही नहीं बल्कि उन्हें दशक की वनडे टीम का भी कप्तान बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया के महानतम कप्तानों में शुमार किया जाता है, लेकिन अब भारतीय टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप टी20 की बात करें तो ना तो भारत ने कुछ जीता है और ना ही धोनी ने इस प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम एक टी20 टीम बना रहे हैं और इसमें जोस बटलर जैसा खिलाड़ी नहीं है। एमएस धोनी ने भारतीय टीम के लिए 98 टी20 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1617 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उनके नाम दो अर्धशतक है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 126.13 का है। हम आपको बता दें कि धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने साल 2011 का वनडे विश्व कप अपने नाम किया था, साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया था। इससे पहले उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2007 में हुआ पहला टी20 विश्व कप भी जीता था। आईसीसी की दशक की टी20 टीम में भारत के 4, ऑस्ट्रेलिया के 2, वेस्टइंडीज के 2 और श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का 1-1 खिलाड़ी शामिल है। धोनी के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को भी टी20 टीम में जगह मिली है। बाकी देश और दुनिया के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।